सो वेलकम एवरीवन। आप जैसा कि जानते ही होंगे कि आज एनटी का पेपर था, एचपीपीएससी का। 1000 एस्पिरेंट इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं। आप में से बहुत ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनका एग्जाम आज बहुत अच्छा हुआ है, उनके लिए सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जिनका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है वो मेंस की शुरुआत करें प्रेपरेशन की, क्योंकि मेंस की प्रेपरेशन के लिए आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। और ऐसे एस्पिरेंट जिनका के एग्जाम बहुत अच्छा नहीं हो पाया, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो उनसे पूरी नहीं हो पाई, उनके लिए बस यही कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपके लिए एक्सपीरियंस था, आपने आज इस एग्जाम से ये एक्सपीरियंस जरूर गेन किया होगा कि कहाँ कमियां रहेगी प्रिपरेशन के अंदर। तो जो भी आपको लगता है कि आपकी कमियां रही हैं उसको दूर करें, फिर एक बार आप और शुरुआत करें प्रिपरेशन की, और बहुत जल्दी आपका कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो का मकसद है कि जो आपने क्वेश्चन आज एग्जाम में मार्क किए हैं, जो आपके आंसर्स हैं, उसको हम मैच करें, और इस एग्जाम की आंसर की क्या है वो आपके आपके साथ डिस्कस करें। बाकी पूरा डिटेल्ड वीडियो विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप जान पाएं कि जो आपने आज आंसर मार्क किए हैं वो सही है या गलत है। तो मेरे पास जो आपकी सीरीज है डी सीरीज, तो डी सीरीज से हम शुरुआत करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जिनकी सीरीज ए बी या सी थी, वो भी क्वेश्चन से अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा। आपका जो भी स्कोर रहेगा, प्लीज़ आप जाके कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिए, कमेंट करिए, बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा, ताकि हम प्रडिक्ट कर पाए कि इस एग्जाम की कट ऑफ क्या रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर वन एचपी जीके से पूछा गया है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री वाले पार्ट से पूछा गया। इसमें जो प्रिंसिपैलिटी है उसके फाउंडर के नाम दिए गए हैं और आपको मैच करने को था, तो मैं सीधा आंसर्स पे जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर आपके पास जो है वो सी होना चाहिए। सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर वन। तो जिन्होंने क्वेश्चन नंबर वन अटेम्प्ट किया है वो अपना चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर वन का जो राइट आंसर है दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ओवर टू द क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू आप देख सकते हैं, ये भी हिमाचल प्रदेश की जीके से संबंधित क्वेश्चन था, और बहुत आसान। पहले दोनों सवाल बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, आई थिंक मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस को सही किया होगा। तो इसमें आपके सामने एक तरफ दिए मोमेंट्स दिए हैं, दूसरी तरफ आपके पास लीडरशिप दी हुई है, तो ये भी आपको मैच करने को था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके पास है दैट इज ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर आपके पास ए हो जाएगा। वैसे भी पेपर जो है काफी लेबोरियस था, बहुत कंटेंट है जो आपको पढ़ना था, और ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके मैच करने को है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। तो अगर आपने इलेमिनेशन का ध्यान रखा होगा तो जरूर क्वेश्चन पेपर जो है बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर थ्री जो आपसे, ये भी हिमाचल जीके का क्वेश्चन आपके पास था, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके पास है दैट इज द बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ओवर टू द क्वेश्चन नंबर फोर। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे वीडियो के द्वारा, लेकिन सिर्फ आज हमारा मकसद है कि आंसर की क्या है, करेक्ट आंसर क्या है जो आपने एग्जाम में मार्क किए हैं। सो क्वेश्चन नंबर फोर आप देख सकते हैं, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित ही क्वेश्चन है, जिसमें कि आपका चार्ट सेक्स रेशियो दिया हुआ है, और जो अलग अलग सेंसेस हुए हैं, अलग अलग ईयर्स दिए हुए हैं, उसके साथ आपको मैच करना था। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर आपके पास होगा दैट इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा। सो ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एचपी जीके वाला ही है, और एच पी जी के अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत आसान पूछे गए हैं, जिनको आप आसानी के साथ उनको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने सीरियस प्रिपरेशन की होगी। तो क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल एच पी जी के से नहीं पूछे गए हैं। तो आपके पास यहाँ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था, वैलीज हैं, दूसरी तरफ अगर लोकेशन दी हुई है, ये भी बहुत क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपके पास होगा बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके पास है, ये एक तरफ आपके पास आइटम दी है, दूसरी तरफ आपके पास दी एचपी टारगेट फॉर 2021-2, और ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का दैट इज अ बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर आपके पास बी है। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन था, जिन लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ा होगा
तो उन्होंने इस क्वेश्चन को जरूर टैकल कर लिया। वो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर है बी। ओवर टू द क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन आप देख सकते हैं, ये भी एचपी जीके से ही पूछा गया क्वेश्चन है। एक तरफ आपके पास टाउन है, दूसरी तरफ आपके पास ऑल्टीट्यूड दिया गया है। तो अगर आपको फैक्चुअल, अगर आपको डेटा, अगर आपको नहीं भी मालूम होगा, ऑल्टीट्यूड नहीं भी मालूम होगा, लेकिन अगर आपने एचपी जीके को बहुत ध्यान से पढ़ा है, ज्योग्राफी आपने अच्छे से पढ़ी है, तो इस क्वेश्चन को भी लेमिनेशन के द्वारा किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आप टैली कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेवन का सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर एट पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर एट आप देख सकते हैं, ये ऑथर्स हैं, दूसरी तरफ आपके बुक के नाम दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर एट का जो राइट आंसर आपके पास, दैट इज ए, इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर एट। तो इसका राइट आंसर आपके पास ए होगा। मैं यू नो, जैसा कि ये आपकी सीरीज डी चल रही है, जिनकी सीरीज ए बी और सी है, वो क्वेश्चन को देखकर अपने आंसर चेक कर लें, टैली कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा, ताकि हम जो कट ऑफ है उसको प्रेडिक्ट कर पाए। ओवर टू द क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन आप देख सकते हैं, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपके पास पद्म अवार्ड है और दूसरी तरफ आपको एरिया ऑफ वर्क है। ये भी बहुत आसान सवाल है, बहुत प्रेडिक्टेबल सा क्वेश्चन है। करंट अफेयर में अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का जो राइट ऑप्शन, राइट आंसर है, दैट इज डी इज द राइट आंसर। आप बिल्कुल चेक कर लीजिए, टैली कर लीजिए कि आपका राइट आंसर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का डी इज द करेक्ट आंसर। ओवर टू द क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन की अगर हम बात करें, तो आपके पास ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स है, नोबल अवार्ड्स वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और सारे के सारे ये इंडियंस हैं, और यहाँ आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको आंसर करना था। बहुत आसान सवाल, स्टैटिक जीके वाला सा पार्ट ही है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टेन का राइट आंसर आपके पास ए हो जाएगा। मैंने जैसा कि बार बार कह रहा हूँ कि पेपर जो है मॉडरेट से इजी लेवल का पेपर था। एनटी के एग्जाम में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, इससे आसान पेपर नहीं आया है। मतलब अगर आप देखेंगे, जो इससे पहले के पेपर हुए हैं, कंपैरेटिवली मुश्किल क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस बार का जो एनटी का पेपर है, कंपैरेटिवली वो इजी पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ हम चलेंगे। एक तरफ आपके पास टोक्यो 2020 ओलंपिक्स है। करंट अफेयर का अगर आप देखेंगे सेगमेंट, तो बहुत प्रडिक्टेबल एरिया है। बहुत, जैसे इससे पहले एचएस का पेपर हुआ था, तो एचएस के एग्जाम में हमें हमने देखा कि कुछ क्वेश्चंस बहुत मुश्किल भी पूछे गए थे, लेकिन एनटी के एग्जाम में जो करंट अफेयर वाला अभी तक सेक्शन हम देख रहे हैं, बहुत प्रडिक्टेबल एरिया है। ये क्वेश्चन तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट ने प्रिपेयर किए ही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इलेवन आप देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर इलेवन का राइट आंसर आपके पास बी हो जाएगा। और ज्यादातर जो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, वो मैच करने को ही है, और मैच करने वाले क्वेश्चन का सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आपको एक दो ऑप्शन भी आता है, तो भी आपका आंसर करेक्ट हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर इलेवन का राइट आंसर आपके पास बी है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखेंगे, तो ये अगेन आपके पास नोबेल प्राइज है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि नोबेल प्राइजेस 2021 यानी कि करंट से क्वेश्चन लिया है। तो नोबेल प्राइजेस के दो क्वेश्चन अभी तक हमने देखे हैं, और एक क्वेश्चन नंबर आपके पास है ट्वेल्व, और ट्वेल्व का जो राइट आंसर है, दैट इज डी। तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा। ये प्रेडिक्टेबल एरिया है क्वेश्चन पूछने का, तो ये भी कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन था। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। नेम ऑफ द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ये पोलिटिकल उनका स्टेटस पूछा गया, जो कि भारत से बाहर रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं। तो उसमें से आपको मालूम होगा कि अभी ऋषि सुनक आपको पता है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने, और तो ये भी एलिमिनेशन वाला ही क्वेश्चन था। अगर आपको सभी जो नाम, अगर आपको नहीं भी मालूम है, अगर आप एक दो नाम भी जानते, तो भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपके पास है सी। नाउ ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप अगेन, आपको मैच करने के लिए एक तरफ आपको लिस्ट वन दी है, लिस्ट टू दी है। लिस्ट वन के अंदर आपको टोक्यो ओलंपिक्स 2020, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 से अभी तक दो क्वेश्चन आ चुके हैं। दूसरी तरफ आपके मेडल्स है, कंट्री के नाम दिए, उसमें इंडिया का नाम नहीं है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना और जापान है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपके पास है बी। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से कम 90% जो पेपर है, वो क्लासरूम से पूछ आया है सीधा सीधा, क्योंकि तो आपको क्लासेस के अंदर पढ़ाया गया, चाहे क्लासेस आपके ऑनलाइन हो, ऑफलाइन रही हो। तो
पूरा पेपर जो है क्लासरूम से ही पूछा गया है, बहुत प्रेडिक्टेबल लाइन पे इस बार एनटी का पेपर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आप देख सकते हैं, ये भी आपका लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2 आपके पास दी हुई है, और ये कुछ इंटरनेशनल जीके वाला पार्ट है थोड़ा सा, और इसमें से ये करंट ये क्वेश्चन है ये भी है, और क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर आपके पास होगा दैट इज अ डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज अ पार्टिसल ऑफ एटम एंड इन्वेंशन। ये इन्वेंशंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये साइंस से क्वेश्चन उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपके पास होगा सी। तो ये भी कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं, बुक्स और मैगजीन के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपके ऑथर्स हैं, और ये भी कंपैरेटिवली अगर आपको एक दो ऑप्शन इसमें से आते, जैसे इशारा इज आल्सो वेरी फेमस बुक, एसेज ऑन द गीता इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऋग्वेदा भाष्य भूमिका तुफ्रित अल मुहाउद्दीन, ये सारे के सारे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आसान है, अगर आपको दो ऑप्शंस भी आते हैं तो भी आप उसको आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आपके पास राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, तो आप टैली कर लीजिए सी है, और जो भी आपके स्कोर बनेगा आप जाके इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हम आंसर की को प्रेडिक्ट कर पाए, ताकि हम प्रेडिक्ट कर पाए कि कट ऑफ क्या रहेगी, सॉरी, ताकि प्रेडिक्ट हम ये कर पाए कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे तो आप देख सकते हैं नेम ऑफ फेस्टिवल्स है, स्टेट के नाम दिए गए हैं, इसमें मल्टीपल स्टेट्स है, हिमाचल है, आसाम है, आंध्र प्रदेश है, और आपका छत्तीसगढ़ है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ए, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, दूसरी तरफ आपका स्टेट दी हुई है, तो इसमें ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा बी, तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया, स्टैटिक जीके वाला ये पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखेंगे, नेम ऑफ स्कीम दिया गया है, और ये आपका बजट से क्वेश्चन उठाया गया है, 2022 और 23 का जो बजट एलोकेशन हुआ है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सबको मालूम है कि एक क्वेश्चन पूछने का प्रेडिक्टेड एरिया होता है, चाहे आपका बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, स्टेट का हो, यूनियन का हो, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ये भी कंपैरेटिवली बहुत आसान क्वेश्चन है, जिन्होंने करंट अफेयर की तैयारी से इसलिए की होगी, उन्होंने इसका आंसर जरूर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है बी। गो टू द क्वेश्चन नंबर 21, अगेन आपके पास दो लिस्ट दी है, एक तरफ आपका पीक्स है, दूसरी तरफ आपकी रेंज दी है। क्वेश्चन आपका इंडियन ज्योग्राफी से पूछा गया है, गुरु शिखर है, आपका डाडा बेटा है, अरमाकोंडा है, और आपका धूपगढ़ है। तो ये भी कंपैरेटिवली बहुत आसान क्वेश्चन है, हालांकि फैक्चुअल है, लेकिन जिसने पढ़ा है इस क्वेश्चन का आंसर करने में कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। और इस वीडियो के लास्ट में हम जरूर प्रेडिक्ट करेंगे कि इस एग्जाम की कट ऑफ क्या हो सकती है, तो आप अपना जो स्कोर है अपनी आंसर की इसको मैच कर लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आज आपने जो एग्जाम में किया है आपका कितना स्कोर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा दैट इज ए इज द राइट आंसर, तो ए जो है राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 एचपी जीके से पूछा गया है, रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो आपको मालूम है कि जोगिंदर नगर में। 23 का राइट आंसर आपके पास हो गया है बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ 23 क्वेश्चन। ओवर टू 24 एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपके पास सी है, ये जून जुलाई से जून के बीच में होता है, तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 आप देखेंगे तो विच सेक्शन ऑफ द हिमाचल टिनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था जरूर, पर इतना ज़्यादा ट्रिकी क्योंकि बहुत बार न्यूज़ में रहता है। तो आई थिंक अगर आप करंट न्यूज़ सुनते हैं एचपी जी की, एचपी की, हिमाचल प्रदेश की, तो
इस क्वेश्चन को आंसर करने में कोई आपको बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 का ए राइट आंसर, क्योंकि सेक्शन 118 बहुत बार न्यूज में रहता है, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लैंड रिफॉर्म्स कम्स अंडर, तो ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट जो लिस्ट है 3 शेड्यूल नंबर 7 के अंदर वहां से उठाया गया है, और पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपके पास बी होगा। मैं सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन पढ़ नहीं पाऊंगा, क्वेश्चन भी नहीं, क्योंकि हमारा मकसद अभी सिर्फ और सिर्फ आंसर की को डिस्कस करना है, बाकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है एनटी के पेपर का हम किसी और वीडियो में जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, व्हाट इज प्रोवाइडेड अंडर अटल आशीर्वाद योजना, क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का राइट आंसर हमारे पास हो गया है सी, दैट इज न्यू विजिटर किट। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 भी हिमाचल जीके से पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी करंट का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे से सवाल उठाया गया है, फूड प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश 2020-21 में, 29 क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा डी, 6.24 लाख मेट्रिक टन इज द फूड प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2020-2021। सो क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये भी एचपी जीके का क्वेश्चन है, गुजरात फूड की सिस्टम ऑफ मैरिज जो है ये कांगड़ा और चंबा में प्रेवलेंट है, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इस केस में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज अ कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखेंगे, तो ये क्वेश्चन भी बहुत न्यूज में रहा, ये करंट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार न्यूज में रहा, तो ये भी बहुत आसान सवाल था, इसका राइट आंसर आपका संजौली पुलिस स्टेशन होगा, दैट इज 31 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 32 पे हम बात करेंगे, टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसको भी जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी की होगी जरूर इस क्वेश्चन को ठीक किया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आपके पास है सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 पे हम बात करेंगे, तो 33 अगर हम देखेंगे, एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक नेटफ्लिक्स, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन जो कि घंटे पर से पूछा गया है, 33 क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास होगा ए, दैट इज मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 34 पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, विच स्टेट है ऑथोराइज द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट बाई यूजिंग द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 348-2। सो ये स्टेट्स आपके पास है यूपी एमपी बिहार और राजस्थान, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी। ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छी इसका पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, और इसका राइट आंसर 15-6 और 16-6 है, यानी कि सी इज राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट है आपके पास बेम्बोसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट बोल्ड, जो है इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है राजस्थान में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 37, विराचे नेशनल पार्क जो है किस आसियान देश में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी करंट अफेयर में न्यूज में रहा है, तो अगर आपने तैयारी की है तो इस क्वेश्चन को आंसर करना भी इतना मुश्किल नहीं था, इसका राइट आंसर आपका कंबोडिया हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 38। नॉर्थ साउथ गैस प्रोजेक्ट, ये बहुत न्यूज में ये भी रहा प्रोजेक्ट, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो एक्सपेक्टेड लाइन से क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वहीं से क्वेश्चन आए हैं, तो 38 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा रशिया एंड पाकिस्तान से राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पे हम चलेंगे, तो 39 जो है बिम्स्टेक का मेंबर कौन सी कंट्री नहीं है, इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ए, यानी कि मालदीव जो है वो बिम्स्टेक
का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है, यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है अभी प्रेजेंट टाइम में जो है, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो दैट इज पुर्तगाल है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 जो कि आपका साइंस से क्वेश्चन पूछा गया, जनरल साइंस का क्वेश्चन। नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट इज, तो इसका राइट आंसर 41 का राइट आंसर आपके पास सी होगा, 15 to 18 पर मिनट ब्रीदिंग रेट रहता है। तो राइट आंसर आपके पास हो गया है 41। 41 का बी इज द राइट आंसर, सी इज, आई एम सॉरी, सी इज द राइट आंसर। ओके, टू द 42 क्वेश्चंस। आउट ऑफ फॉलोइंग व्हिच डज नॉट सिक्रेट एनी हार्मोन, तो ये भी क्वेश्चन आपका साइंस से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 42 है। इसका राइट आंसर आपके पास होगा डी, स्प्लीन इज द राइट आंसर। अगर आपने पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2020, और मैं भी एक क्वेश्चन एचएस में पूछा गया था, ये क्वेश्चन बिल्कुल वहां से सीधा रिपीट हो चुका है। उसका राइट आंसर है डी। जैसा कि आपने, आपको मालूम होगा कि जब भी एग्जाम होता है, अगर आप पिछले 10 सालों के पेपर को भी अगर आप गो थ्रू करते हैं तो कई बार क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहती है। तो जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया 42, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ सस्पेंशन, तो क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओवर टू द 44, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तो इसका राइट आंसर आपके पास होगा ए, दैट इज अ स्मोक। बाकी अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, फ्लाई ऐश है, ये सारे ही प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 45 भी आपका जनरल साइंस से लिया गया है। इसका राइट आंसर आपके पास होगा बी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ, करेक्ट आंसर ऑफ 45 क्वेश्चन। ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 आपके पास है आपका चटगांव आर्मोरी रेड जो है, ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, और कंपैरेटिव वाज इजी क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूर्य सेन, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टैगोर सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन, तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा बी, दैट इज अ शिमला। सो इसको भी कवर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 का बी है। ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लीगलाइज्ड मैरिजेस, मैरिज ऑफ विडो। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा सी। तो सी जो है वो राइट आंसर है 48 क्वेश्चन का, यानी कि एक्ट आपका थर्ड है। ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 49। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इट्स राइट आंसर होना चाहिए ए बी सी। सी इज द राइट आंसर, 102A2, 102(1)A इज द राइट आंसर, 49 का सी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा सी। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ 50। विच आइटम्स आर इंक्लूड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी अगर आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो एलिमिनेट किया जा सकता है इसको भी। क्वेश्चन नंबर 50 का बी आंसर, राइट आंसर बी होगा। एंड 51 जो क्वेश्चन आपके पास है, 51 अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसका राइट आंसर होगा सी। मैं सारे क्वेश्चन पढ़ नहीं पाऊंगा ना ऑप्शन पढ़ पाऊंगा, तो आप अपने आंसर चेक कर लीजिए। 51 का डी हो गया है। 52 आपके पास है मांड्या इन कर्नाटका इज फेमस फॉर, तो 52 क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज द राइट ऑप्शन आपके पास। इसका आंसर जो होगा दैट इज अ सी। शुगर इंडस्ट्री के लिए मांड्या जो शहर है वो फेमस है, जो कि आपका कर्नाटका में है। 53 पे बात करेंगे, और ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी से पूछा गया है। क्वेश्चन आपके पास है पार्ट नंबर 4 से, ट्रिक्टी प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन पूछा गया है। गांधीयन प्रिंसिपल, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपकी डीपीएसपी के अंदर है, उसमें से गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन से है, गांधीयन थॉट, गांधीयन फिलोसफी वाला कौन सा आर्टिकल वहां जोड़ दिए गए हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया 53 में। इसका राइट आंसर आपके पास होगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बी होना चाहिए। 54 जो है क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास होगा डी, म्यूचुअल डायलॉग एंड मेडिटेशन एंड मेडिएशन इज द राइट आंसर, दैट इज डी ऑप्शन ऑफ 54।
क्वेश्चन 55 क्वेश्चन आपके पास है, अहिंसा एंड ट्रुथ इन गांधियन ओपिनियंस। इसका राइट आंसर, आई एम क्वाइट श्योर इसका राइट आंसर होगा, हाँ यस, आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 55 क्वेश्चन। सो 56 है, द प्रिफिक्स महात्मा, ये आपको मालूम है कि महात्मा जो प्रिफिक्स था वो महात्मा गांधी को दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये तकरीबन चंपारण जब हुआ था सत्याग्रह 1917 उस टाइम लिया, तो उसका राइट आंसर आपका ए होगा। 57 पे हम देखेंगे, 57 क्वेश्चन भी आपका गांधीन फिलोसफी से ही है, गांधी नॉन वायलेंस इमर्ज्ड फ्रॉम 57 क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो 57 का राइट आंसर आपके पास होगा, मोरल एंड सोल फोर्स, दैट इज सी इज द राइट आंसर ऑफ 57 क्वेश्चंस। गांधी जी स्टेटमेंट, द सरप्लस मनी शुड बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द हैव नॉट्स। तो आपको मालूम है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास सरप्लस वेल्थ है तो उसको आप शेयर करिए उनके पास जिनके पास की वो सारी रिसोर्सेज नहीं है। तो उसका राइट आंसर थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप है, ये थ्योरी भी महात्मा गांधी की थ्योरी थी, जिसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा डी, यानी कि थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। क्वेश्चन नंबर 58 पे हम 59 पे हम चलेंगे। अब इस बार एग्जाम में ये देखने को मिला कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी बहुत पूछे गए हैं, जैसे कि इस बार एचएस के एग्जाम में भी था और एनटी के एग्जाम में भी आप हमें देखने को मिला। तो अगर आप इन स्टेटमेंट्स को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे। हाँ, आपको आंसर्स के ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ने कि आपका आंसर क्या होगा ए बी सी डी में से। हम सीधे से बात करेंगे आंसर की, 59 क्वेश्चन आप देख सकते, राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो आपका राइट आंसर है, यहाँ मैं आपको आंसर पर बता के करूंगा। 59 का राइट आंसर जो है होना चाहिए ए इज द करेक्ट आंसर। 59 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा तो वो आपका ए होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर, दैट इज अ डी। एंड 61 का राइट आंसर आपका होगा सी। 62 का जो राइट आंसर आपके पास होगा, दैट इज डी। एंड 63 का जो है राइट आंसर आपका होना चाहिए डी अगेन। एंड 64 का जो राइट आंसर आपके पास है, ये हिमाचल प्रदेश वाला क्वेश्चन है, हिमकेट स्कीम, 64 का भी डी होगा। एंड 65 का जो आपके पास राइट आंसर होगा, मोडल इको विलेजेस, जो कि आपका बजट का पार्ट रहा है सर्वे का, तो 65 का आपका सी हो जाएगा। 66 का जो आंसर आपके पास ए है। 67 का आपके पास आंसर सी है। 68 क्वेश्चन का डी है। 69 क्वेश्चन का ए है। एंड 70 क्वेश्चन नंबर जो है उसका राइट आंसर आपके पास डी हो जाएगा। 71 क्वेश्चन जो है जो कि आपका करंट अफेयर से पूछा गया है, तो 71 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 72 का आंसर ए हो जाएगा। 73 ये भी करंट अफेयर अगेन ए है। 74 भी आपका हिस्ट्री से पूछा गया है, एंड 74 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 75 का आपका बी है। 76 का आंसर आपका सी है। 77 का डी है। 78 का ए है। 79 का जो है वो आपके पास बी होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर जो 80 आपके पास है, 80 का आपके पास बी ऑप्शन होगा। 81 जो है ज्योग्राफी से पूछा गया, ट्रेड विंड्स और पोलर विंड्स के बारे में, तो 81 का राइट आंसर ए है। 82 का राइट आंसर आपके पास जो होगा, ये भी आपका ज्योग्राफी से पूछा गया सवाल है, तो 82 का ए होगा। एंड 83 का जो है वो राइट आंसर आपका बी होगा। 84 का राइट आंसर आपका होना चाहिए सी। 85 का राइट आंसर आपके पास होगा तो होगा बी। एंड 86 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये सारी। 86 का जो आंसर आपके पास होना चाहिए डी। एंड 87 जो क्वेश्चन आपके पास है उसका राइट आंसर आपके पास होगा डी, यानी कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ए बी सी डी में से डी आपका राइट आंसर होगा 87 क्वेश्चन का। और 88 क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ ह्यूमन राइट से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। इसके तहत जो अलग अलग तरह की कन्वेंशन हुई है, जिसमें कि पहला आपके पास वियना डिक्लेरेशन है, उसके बाद इंटरनेशनल आपका क्रिमिनल कोड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब हुआ, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स के ऊपर आपको कन्वर्जेंट इंपॉर्टेंस को अरेंज करना है। 88 का जो राइट आंसर आपके पास होगा ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 88 क्वेश्चंस। एंड ओवर टू
89। ये क्वेश्चंस भी आपका ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, अलग अलग तरह की ट्रीटी जो हुई है उससे संबंधित क्वेश्चन आपका है, और 89 का भी राइट आंसर आपके पास जो होगा दैट विल बी सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी इसका राइट आंसर होने वाला है। एंड 90 क्वेश्चन नंबर जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, एंड आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन क्योंकि ये साइंस वाला पार्ट है, एंड रियली वेरी सॉरी, जो जो आंसर दिया है तो उसको आप चेक कर सकते हैं। तो आई विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 को फिलहाल हम स्टार देंगे, और जब आंसर की आएगी तो उसको आप अपना चेक कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 91 भी आपका जनरल साइंस से पूछा गया सवाल है, आपके पास अरेंज करने को दिया है, स्पीड ऑफ साउंड है जो कि आपको डिक्रीजिंग वाटर में बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर आपके पास होगा ए थर्ड टू वन एंड फोर। एंड क्वेश्चन नंबर 92 जो है वो आपके पास है राइट टू एजुकेशन एक्ट है, आपका तेलंगाना स्टेट का फॉर्मेशन है, आरटीआई एक्ट कब इंप्लीमेंट हुआ, मनरेगा कब इंप्लीमेंटेशन आपसे पूछा गया है, तो राइट ऑर्डर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपके पास आंसर जो होगा बी इज द करेक्ट आंसर। एंड 93 गांधी फिलोसफी से क्वेश्चन आपके पास है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैं जैसा कि कह ही रहा हूँ कि जीके वाला पार्ट भी बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़े बहुत मुश्किल है, बाकी जो जीके वाला पार्ट पूछा है एचपी जीके हो या दूसरा जीके हो, कंपेरेटिवली बहुत आसान क्वेश्चन इस बार डाले गए हैं। तो 93 जो है, 93 का ए राइट आंसर है। एंड 94 क्वेश्चन आप देख सकते भी इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान सवाल है ये। एंड 94 का जो राइट आंसर आपके पास होगा, 94 का राइट आंसर है आपका सी, 1 3 2 4 इज द राइट ऑर्डर ऑफ 94th क्वेश्चन। एंड ओवर टू द 95th क्वेश्चन। तो 95th क्वेश्चन जो आपके पास है दैट इज 95th क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास होना चाहिए सी, तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो ओवर टू द 96th क्वेश्चन। तो 96 से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ आपके पास मैंग्रोव वेजिटेशन है, सवाल क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, तो ये भी कंपेरेटिवली आसान क्वेश्चन है। तो 96 जो है इसका राइट आंसर आपके पास होगा बी, 1 2 3 4 इज द राइट ऑर्डर ऑफ द मैंग्रोव वेजिटेशन इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। कई बार क्वेश्चन पेपर में इस तरह के कंफ्यूजन होते हैं कि अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, जिसमें असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो करेक्ट क्या है इनकरेक्ट क्या है ये आपको बताना है, तो कई बार इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। सो 96 के बाद हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। सो 97 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा बी इज द राइट आंसर ऑफ 97 क्वेश्चन। सो 98 का जो है दैट इज एचपीजीके से पूछा गया क्वेश्चन है ये 98, एंड 98 जो है दैट इज अ डी इज द राइट आंसर, यानी कि 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 99 हम देखेंगे, ये क्वेश्चंस भी आपका एचपीजीके से पूछा गया, और एंटायर क्वेश्चन जो पूरा गद्दी ट्राइब को लेकर है, तो 99 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन आपके पास जो है वो 2 और 4 ही इसमें इस केस में सही है, तो राइट आंसर आपके पास जो होगा दैट इज हो जाएगा ए। सो क्वेश्चन नंबर 100 एचपी जीके वाला क्वेश्चन है, और अदुम्बरा पे फोकस, अदुम्बरा ट्राइब पहली स्टेटमेंट आपके पास दी हुई है, पहली 2 स्टेटमेंट आपके अदुम्बरा वाली है, उसके बाद आपका चंबा स्टेट को लेकर है कि चंबा जो प्रिंसिपैलिटी थी वो मुगलों कंट्रोल में कब आई, तो और चौथा आपके पास सिक्किम रीजन है जो कि कुल्लू में हुआ, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपके पास होगा ए। क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर आपके पास ए है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर आपके पास हो गया है ए। आप चेक कर सकते हैं अपना स्कोर। एंड क्वेश्चन नंबर 101 जो है ये भी आपका एचपीजीके से पूछे जाने वाला सवाल है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, और 101 का राइट आंसर आपके पास जो है दैट इज बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा बी, 101 का राइट आंसर आपके पास बी हो गया है। 102 क्वेश्चन जो है वो ए है, ए इज द राइट आंसर ऑफ 102 क्वेश्चन, 1 एंड 2 ओनली। एंड 103
क्वेश्चन जो आपके पास है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द एचपीजी के, जिसमें कि कुछ आपके डांसेस, फोक डांसेस और कुछ डांसेस के वाले वाले स्टेटमेंट्स दी हुई है, विच इज ऑल्सो वेरी इजी। 103 का राइट आंसर हो जाना चाहिए सी, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड अगेन 104, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको पॉलिटी से पूछा गया है। अगेन पॉलिटी वाला अगर आप देखें तो पूरा का पूरा सेक्शन जो है बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक दो क्वेश्चन तो वैसे भी है जो भी एचएस के एग्जाम में थे डायरेक्ट यहाँ पूछे गए हैं, तो यानी कि रिपीट हुए क्वेश्चन भी आपको दिखाई देंगे। 104 क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास हो गया है डी। हम बात करें 105th क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर ऑल्सो, और इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर आपका हो गया है सी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर जो है 106 आप देख सकते हैं, पॉलिटी से पूछा गया सिटीजनशिप के क्या रूट्स हैं, आसान सवाल है। 106 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा डी। सो नाउ नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट है, ये भी बहुत इजी सवाल है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो 107 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। सो ओवर टू क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे करतारपुर कॉरिडोर, जो कि बहुत न्यूज में रहा, हालांकि ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है करंट अफेयर का, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो 108 का सी राइट आंसर है। और 109 पे हम चलेंगे, तो 109 क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, ये आपकी कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका आपकी पूछी गई है। 109 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 114 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर हो गया है डी। क्वेश्चन नंबर 110, इंडिया सेंट्रल एशिया समिट 2022 करंट अफेयर से सवाल है। तो 110 का जो राइट आंसर है दैट इज सी ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। सो 111, व्हाट इज ट्रू अबाउट कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस में काफी ऑर्गेनाइजेशंस वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 111 दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए 1 एंड 2 स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है, यही आपसे पूछा गया था। 112 क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो ये भी आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ही है, इंडिया रशिया चाइना फॉरेन मिनिस्टर जो मीट हुई है सितंबर 2021 में, यानी कि क्वेश्चन करंट अफेयर में जो पूछे गए हैं वो आपके 2021 सितंबर से भी पूछे गए हैं। देखो जैसा कि आमतौर पर होता है कि करंट अफेयर की तैयारी जब भी आप किसी एग्जाम के लिए करते हैं तो कम से कम आपको कैलेंडर ईयर की प्रिपरेशन तो कर लेनी चाहिए, तो बिल्कुल सेम लाइन पे ही क्वेश्चन यहाँ पूछे गया करंट अफेयर के अंदर सितंबर 2021 से क्वेश्चन पूछा गया। 112 का राइट आंसर आपके पास होगा ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 113 क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। सो दिस इज साइंस का क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर आपके पास ए हो जाएगा, 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो 113 का जो आंसर है दैट इज ए क्वेश्चन होगा। 114 पे हम बात करेंगे, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है तो वो आपको बताना है। तो 114 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा डी, 1 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 115 की, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, तो 115 का राइट ऑप्शन आपके पास जो होगा दैट इज सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड 116 जो है आप क्वेश्चन आपके पास फिर दिया जीआई जो आपका स्टेटस है, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर आपके पास डी होगा क्योंकि सभी जो आपके हैंडीक्राफ्ट है इनको जीआई टैग दिया गया है। सो 117 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स, ये पॉलिटी वाला पार्ट, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स है इसमें से कुछ आपकी पार्ट नंबर 3 वाली स्टेटमेंट्स है, पार्ट नंबर 5 से भी पूछा गया है, जैसे आपका पार्लियामेंट है पार्ट नंबर 6 वाली स्टेटमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी पूछा गया है, तो मल्टी स्टेटमेंट है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा सी, 1 एंड 4 ओनली।
ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर आपके पास होगा वो आंसर आपके पास है बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 2 1/3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19, आप 119 आप देखेंगे तो आपके पास दिया गया है, ये पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया। नो इट्स नॉट अ पॉलिटी, फ्रॉम इकोनॉमी से क्वेश्चन है ये 119। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो गया है सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड वी आर एट द लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 120। और 120 क्वेश्चन जो आपसे के पास पूछा गया है दैट इज फ्रॉम सॉइल कंजर्वेशन एंड दिस इज फ्रॉम द ज्योग्राफी। और इसका राइट आंसर आपके पास होगा 120 का बी ऑप्शन, 2 एंड 4 ओनली। सो दिस वॉज आंसर की ऑफ द एंटी पेपर टूडे। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपका एग्जाम कैसा रहा, आपके कितने मार्क्स बने। आप अपने मार्क्स को चेक करिए, टैली कर लीजिए। एंड एट द लास्ट मेरे हिसाब से जो कटअप इस एग्जाम की रहनी चाहिए, क्योंकि आप टोटल नंबर ऑफ सीटें आपकी 20 हैं, जनरल की सीटें ओवरऑल मिला के 20 है सीटें। पेपर जैसे मैंने बताया कि इजी टू मॉडरेट पेपर रहा है, तो आई एम प्रडिक्टिंग कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं 90 से ऊपर जिनका स्कोर है वो बिल्कुल श्योर है, और आप बिल्कुल तैयारी कर लीजिए मेंस की। एंड 88 इज द बॉटम, क्योंकि पेपर बहुत आसान है और ये नंबर ऑफ सीटें आपकी कंपेरेटिवली कम है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी आई थिंक 60,000 प्लस हैं। तो आई एम प्रडिक्टिंग 88 इज द बॉटम, बाकी इससे ऊपर के जितने जिन जिनके भी मार्क्स हैं दे आर सिक्योर, दे कैन यू नो प्रिपेयर फॉर द मेन्स एग्जाम। सो थैंक यू वेरी मच।